सर मैंने तो ये दवा पीनिस को लंबा करने के लिए विदेश से मंगाई है, सो वहाँ की चीज़ों पे तो भरोसा कर ही सकते हैं ना। नमस्कार, मैं हूँ आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप घर पे बैठे बैठे अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स की मदद ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट drarodas.com पे ही हमने एक स्पेशल क्विज डिज़ाइन की है लोगों की मदद करने के लिए, जिनको ये महसूस होता है कि कहीं कोई इरेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, लगता है या नहीं, कन्फ्यूजन है, उनकी मदद करने के लिए हमारी वेबसाइट पे हमने गिनती के 5 सवालों के क्विज डिज़ाइन किए। अगर आप उस क्विज के सवालों का जवाब देते हैं तो आपके जवाबों के हिसाब से आपको एक रिपोर्ट मिलती है और वो रिपोर्ट आपको बताएगी कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो रिपोर्ट कहती है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं, नहीं है तो आप मौज कीजिए, टेंशन को छोड़ के खुश हो सकते हैं। चलिए आज की बात करते हैं कि क्या कोई भी दवा, चाहे वो किसी भी मुल्क से खरीदी हो, चाहे हमारे इंडिया से खरीदी हो, जर्मनी से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, कहीं से, किसी भी मुल्क में ऑनलाइन ऑफलाइन ओटीसी काउंटर्स पे बिकने वाली जो दवाएं होती हैं उसको ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग्स में या दवाओं में बोलते हैं। आयुर्वेदिक हो, हर्बल हो, किसी भी तरह की कोई खाने की दवा, लगाने की दवा, क्रीम, तेल बहुत जगह बिकता है। कितने लोग हैं ऐसे हमारे अपने मुल्क के अंदर भी जो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू या ई फार्मेसीज के थ्रू बहुत जगह पे ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो क्या उनका कोई फ़ायदा होता है? आई विल से जस्ट वन थिंग, आज तक कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री साइंटिफिकली प्रूवन डेटा नहीं है जिसके बिहाफ पे हम ये मान सकें कि किसी भी मुल्क की, चाहे हमारे अपने मुल्क की, चाहे किसी भी मुल्क में अवेलेबल ऐसी कोई भी महंगी, सस्ती, कैसी भी दवाएं हो, किसी भी नामी गिरामी आदमी की, ब्रांड की हो, किसी की भी हो, ऐसी कोई भी डेटा सपोर्ट नहीं करता है कि ऐसी कोई दवाएं या तेल या क्रीम या इंजेक्शंस, कोई भी चीज़ आपके लिंग की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फेक एंड फॉल्स क्लेम। आप इन झांसों में मत आइए और अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्ती से जिए। आपका लिंग बढ़े ना बढ़े, खुदा जाने, उन चीज़ों से आपको अदरवाइज़ क्या नुकसान हो जाएंगे। सो इनके बजाय अपने आप में, अपने पीनिस को जितना जैसा आपको कुदरत ने बख्शा है उसके साथ कैसे अपने साथी को सेटिस्फाई करना है, उसके तरीकों को जानना ज़्यादा ज़रूरी होगा। बिकॉज ये तो लंबा इन चीज़ों से हो नहीं पाएगा। सो जितना आपके पीनिस का साइज है उसके साथ आप अपने साथी को कैसे खुश रख सकते हैं, उसके बारे में अगर आप ज्ञान हासिल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उस ज्ञान से जो फायदा होगा और उस फायदे को लेके जब आप अपने बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे, अपने जीवन साथी के साथ उन ज्ञान को यूज करेंगे ना, फिर आप देखिए कि कितना अच्छा महसूस होने लगेगा। यही शायद आपको नॉर्मल भी लगने लगेगा और आपके पार्टनर के, आपके जीवन साथी के चेहरे पे भी खुशी नजर आने लगेगी। इसके लिए आप मेरे ही वीडियोस कुछ हैं ऐसे जो आप चाहें तो देख सकते हैं, जिनमें मैं जी स्पॉट की बात करता हूं कि जी स्पॉट को स्टिमुलेट करके आप कैसे अपने साथी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या क्लिटोरल स्टिमुलेशन देने का क्या तरीका होगा, आप कैसे उनको सेटिस्फाई करेंगे, या लिंग छोटा हो, पीनिस छोटा हो तो आप कैसे अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फोर प्ले को और बेहतर कैसे बनाएं, या फोर प्ले की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जब आपके पास होगी ना, देन यू विल बी प्लेइंग लाइक द मैन यू ऑलवेज वांटेड टू प्ले इन द बेड। सो साइज की टेंशनें छोड़ दीजिए और ये झूठे दामों झांसों में आना बंद कीजिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो सही है वो सही है। सो इसकी फेवर में बोलने वाला कि इन दवाओं से कुछ लिंग लंबा हो सकता है, अगेन रिपीटिंग, इसकी फेवर में बोलने वाला इतना कोई सेटिस्फैक्ट्री साइंटिफिक डेटा नहीं है। सो इन चीज़ों को छोड़िए और अपने इसी लिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को बिंदास खुशनुमा बनाइए। कीप एंजॉइंग और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज इस पर करीब करीब हर रोज एक नया वीडियो आता है जो आप ही की सेक्सुअल हेल्थ की बेहतरी के लिए होता है, आप ही के लिए बेहतर नॉलेज लेके आता है। कीप एंजॉइंग।